मुरादाबाद देहात विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी नासिर कुरैशी ने जनसंपर्क को तेज कर दिया है। साथ ही अनेक स्थानों पर जनसभा भी आयोजित की जा रही है। सभी से अपील की जा रही है कि वे 14 फरवरी को समाजवादी पार्टी को वोट देने का काम करें। मुरादाबाद के देहात विधानसभा के चक्कर की मिलक पर सपा प्रत्याशी हाजी नासिर कुरैशी के समर्थन में जनसभा आयोजित की गई, जहां पर हाजी नासिर कुरैशी का सभी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व पदाधिकारियों द्वारा फूलमालाएं पहनाकर हाजी नासिर का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान भारी संख्या में हाजी नासिर की जनसभा में भीड़ भी दिखाई दी और सभी लोग हाजी नासिर के समर्थन में नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे। हाजी नासिर के समर्थन में आयोजित इस जनसभा में वक्ताओं ने बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी इस बार देहात विधानसभा से ज्यादा मतों से जीत कर सामने आएगी और हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं द्वारा कहा गया, जिससे हाजी नासिर कुरैशी साहब ये कहेंगे एक वोट की कमी रह गई, इंशाअल्लाह ताला गुंडा के फूल कर देनी है, जिससे हाजी नासिर कुरैशी साहब भी ये कहे कि हाँ चक्कर की मिलक वालों ने दिल से वोट दिया है, इंशाअल्लाह एक दो नारा लगा दो, हाजी नासिर कुरैशी, हाजी नासिर कुरैशी, जो है इंशाअल्लाह नासिर कुरैशी इतने वोटों से जिता दो कि अखिलेश यादव इन्हें मंत्री बनाने पर मजबूर हो जाए। और किसी की बातों में मत आना, मक्काल लोग जो है 20-25 साल समाजवादी में रह के वो आज कांग्रेस का बोलने बजा रहे हैं। कांग्रेस का एक वोट यहाँ से नहीं निकलना चाहिए, एक वोट कांग्रेस को नहीं जाना चाहिए यहाँ से। जब चक्कर की मिलक जो है ये बतलाएगी कि यहाँ से हमने पहले कितना वोट करवाया था और अब कैसे कितना वोट नासिर कुरैशी को यहाँ से निकला, इंशाअल्लाह आपकी जीत होगी। चक्कर की मिलक पर समाजवादी पार्टी देहात विधानसभा की चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सपा प्रत्याशी हाजी नासिर कुरैशी ने कहा कि मुझे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा प्रत्याशी बनाकर आपके बीच भेजा गया है। मेरा मकसद यही है कि मैं समाज सेवा के कार्यों में आगे बढ़ूं और जनता की हर एक समस्या का समाधान करूं। इसी उद्देश्य को लेकर मैं लगातार काम कर रहा हूं। मुझे सिर्फ आपका प्यार चाहिए। इस दौरान हाजी नासिर कुरैशी ने आगामी 14 फरवरी को पूरी जनता से समाजवादी पार्टी को वोट देने की अपील भी की। जनसभा को संबोधित करते हुए हाजी नासिर कुरैशी ने कहा, आप ही के जिले का, आप ही के साथ का पला बड़ा, ये तो अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल किया और कबूल किया कि मैं आपकी खिदमत गुजारी के लिए आज आपके बीच में प्रत्याशी बन करके आया हूँ। साथियों, मैं सभी सम्मानित साथियों से, बुजुर्गों से ये कहना चाहता हूँ कि आने वाली 14 फरवरी को वोट पड़ने हैं साथियों, और आज आपके बीच में आपका भाई आपके बीच का प्रत्याशी बनकर खड़ा है। साथियों, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं भी आप ही के साथ का और जमीन से उठा हुआ एक इंसान हूं। मैं आपके बीच में आने का जो मेरा मकसद है साथियों, आप लोग सोचते होंगे कि आप एमएलए बन के क्या करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 20 साल मुझे हो गए लगे हुए और मैं ये सोचता रहा कि मैं कोई जनप्रतिनिधि बन जाऊं और जनप्रतिनिधि बनने के बाद अपने जिले की, अपनी विधानसभा की, आवाम की खिदमत करूं, खिदमत खल्क करूं, वो भी फी सबीलिल्लाह, जिससे मेरी दुनिया भी अच्छी हो और मरने के बाद आखिरत भी अच्छी हो। साथियों, यही सोच लेकर के आज मैं आपके बीच में खड़ा हूं। साथियों, आप लोगों ने देखा अभी पूरे 5 साल ये जालिम सरकार यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर चली, इस जालिम सरकार ने एक नीति निकाली, ठोको नीति। इस ठोको नीति से कितनी बहनों के भाई इन्होंने खत्म कर दिए, कितनी माओं के लाल खत्म कर दिए, कितनी औरतों के शोहर खत्म कर दिए। साथियों, हम लोग देखते रहे और 5 साल तक हमने इंतजार किया, और इंतजार इसलिए किया कि हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं था, कोई हिदायत ही नहीं था, हमारे अंदर ताकत नहीं थी, लेकिन हम इंतजार करते रहे साथियों, और सिर्फ इसलिए इंतजार करते रहे कि विधानसभा 22 का, 2022 की विधानसभा का आम चुनाव आएगा और उसमें हम समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। अपने इस भाई को, अपने इस साथी को जो आपके महल का, आपके साथ का पला बड़ा है, उसे विधानसभा भेजने का काम करें, जो कि मैं विधानसभा में जाकर के आपके लिए आपकी विधानसभा के जो भी काम हो आपको देने।
काम करूं। और मैं आप लोगों से वादा करना चाहता हूं कि आपने जनप्रतिनिधि बहुत देखे इस विधानसभा पे, अब की बार आपको जनप्रतिनिधि नहीं बल्कि एक एमएलए नहीं, आपको एक भाई और एक बेटा मिलेगा इंशाल्लाह अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने चाहा। तो जब तक मेरी जिंदगी में आपकी खिदमत गुजारी लिखी है, जब तक मेरी जिंदगी में आपकी खिदमत गुजारी लिखी है, रात के 3 बजे भी मुझे पुकारोगे तो मैं आपका दामन पकड़े रहूंगा और आपकी गमी खुशी में कंधे से कंधा मिला करके अंधेरे उजाले आपके साथ खड़ा रहूंगा। साथियों, इंशाअल्लाह रहमान, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने चाहा तो जब तक मेरी जिंदगी है और कुदरत ने मुझे मौका दिया तो मैं आपकी खिदमत हमेशा करता रहूंगा, आपका दामन पकड़े रहूंगा। सिर्फ एक मौका अपने भाई को दो और 14 फरवरी को इतने भारी मतों से जिता करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजने का काम करो, जो कि यूपी के अंदर इस बिहार विधानसभा 27 की एक मिसाल बन जाए और इसके चर्चे पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर होने का काम हो। मैं इसी के साथ अपनी बात खत्म करते हुए फिर दोबारा गुजारिश करता हूँ अपने सम्मानित बुजुर्गों से, दोस्तों से, साथियों, 14 फरवरी को सुबह ही उठ करके अपने इस भाई को अपनी हिमायत के लिए, अपने विधानसभा के जितने काम हो गए उनके लिए, अपने अपनी विधानसभा के जो हक मारे गए हैं उनका हक लाने के लिए अपने इस भाई को विधानसभा में भेजने का काम करें।